सरकार के प्रति गहरा रोष। पिछले 5 दिनों से टूल डाउन स्ट्राइक पे बैठे एचआरटीसी पीस मिल्क वर्कर्स में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। पठानकोट स्थित वर्कशॉप में हड़ताल पर बैठे एचआरटीसी पीस मिल्क वर्कर्स यूनियन के प्रधान रघुवीर सिंह पठानिया सहित अन्य वर्कर्स मौजूद थे। वहीं यूनियन प्रधान रघुवीर सिंह पठानिया ने बताया कि पिछले 5 दिनों से पीस मिल कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी कोई सूद नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि जेसीसी बैठक में भी इनके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर एचआरटीसी के सभी कर्मचारियों ने समर्थन दिया है, इनकी मांगों को नहीं मानती है, तब तक यह लोग यहीं पर रहेंगे और काम नहीं करेंगे और हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। स्वर्ण रानी के साथ हिमाचल प्रदेश से गंगा लोत्रा की रिपोर्ट। चला हुआ है और आगामी कब तक चलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जैसे कुछ बंदे तो ऐसे हैं कि जो 40-45 की एज के हैं लग रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सरकार से? बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं आप। हमारी हम भी काफी मतलब 40-50-45 के हो गए हैं और मेरे भाई भी कुछ ऐसे हैं जो 45 के ऊपर हो गए हैं। वो कब कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे और कब रेगुलर होंगे? अच्छा, मेरे को ये बताया जाए कि आपको कितनी सैलरी दी जाती है? सैलरी मात्र 4,000-5,000 जितने मतलब समय के हिसाब से दिनों के हिसाब से हमें सैलरी जो मिलती है। किस प्रकार से सैलरी जो आपको दी जाती है? सैलरी हमें जो जितने दिन लगे होंगे काम के हिसाब से, जो 20 दिन लगे होंगे तो उस हिसाब से हमें सैलरी जो मिलती है। अच्छा, मेरे को ये बताया जाए कि पीस मिल चीज क्या है? पीस मिल जो जितना काम करेंगे उस हिसाब से, जितने दिन लगाएंगे उस हिसाब से वो सैलरी वो हमें मिलती है। तो मेरे को नहीं लगता कि आपका पालन पोषण जो है वो सही ढंग से आप लोग कर पाते होंगे। इस सैलरी से तो आप सभी अवगत हैं कि इस 4-5 हजार में हम कैसे घर का उजाला करेंगे और बाकी रिश्तेदारों में भी आपको मालूम है विवाह शादियों वगैरह सब कुछ चला होता है, तो इस घर का पालन पोषण बहुत मुश्किल से होता है। चलो, तो अब आपसे सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग हमारी सिर्फ एक ही है कि जो हमारी पुरानी पॉलिसी है 5 और 6 वर्षों की, या हमें सीधा जो है कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। उस समय जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा रखे गए थे, पिछली बार जब वो कांग्रेस की सरकार आई वो 410 बंदे जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट पे आकर, धन्यवादी हूँ जिन्होंने पीस मिल भाइयों की खबर पूरे प्रदेश में फैलाने की कोशिश करी है ताकि हमारी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोग हड़ताल में बैठे हैं तो आप यहाँ डिटेल में बताइए कि आपकी मांग क्या है सरकार से? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी एक ही मांग है, हमारी मांग है कि सभी पीस मिल भाइयों को कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाए। आपकी ये पहली सरकार में पॉलिसी बनी है या आप नई डिमांड कर रहे हैं सरकार से बनाने के लिए? ये पॉलिसी जो है वो जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी उस समय परिवहन मंत्री ठाकुर मीन सिंह जी हुआ करते थे, उन्होंने ही ये पीस मिल प्रथा जो है शुरू करी थी। अच्छा जी, तो अब आप कब से हड़ताल पे बैठे हुए हैं? अभी हम 9 तारीख को हड़ताल पर बैठे हुए। अच्छा, तो आपको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या आपको कोई बुलाया हो कहीं सरकार ने, या मंत्री साहब का आश्वासन या एमडी साहब का कोई आश्वासन? तो इससे पहले हम पिछले मार्च महीने में भी मंत्री साहब से मिले थे, सीएम साहब से भी मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन कई आश्वासन दिए हैं। कभी कहते हैं कि 15 अगस्त को आपका काम कर दिया जाएगा, कभी कहते हैं सितंबर माह में आपका काम कर दिया जाएगा, फिर हमने उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका 26 नवम्बर को जो है आपका काम हो जाएगा, आपको सबको जो है पीस मिल को कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाएगा। अच्छा, तो अब आप मेरे को ये बताएं कि आप यहाँ पठानकोट में सिर्फ बैठे हुए हड़ताल पे या पूरे हिमाचल में बैठे हुए आपके? पूरे हिमाचल में हम जो हमारे 27 डिपो में सभी पीस मिल कर्मचारी जो हैं वो 29 तारीख से आंदोलन पर बैठे हुए। अच्छा, तो अब आप मेरे को ये बताओ कि अब नेक्स्ट रणनीति क्या है आपकी? हम कुछ दिनों तक सरकार का इंतजार करेंगे कि वो क्या फैसला लेती है, यदि वो हमारे बारे में कोई भी फैसला नहीं लेती है तो हम लोग अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए गेट भी बंद करेंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे। तो आपके साथ जैसे ड्राइवर भाई हैं, कंडक्टर भाई हैं, इंटक है, एटक है, सड़क कर्मचारी है, इन यूनियनों को आपको कोई समर्थन मिला है?
हाँ अभी तक तो हमें जो हमारी HRTC की 6-7 यूनियन है सभी ने हमें सपोर्ट करी है कि आप लोग अपनी आवाज पूर्ण जोर से उठाओ, हम आपके साथ हैं। यदि ये फिर भी सरकार आपकी समस्या का समाधान नहीं करती तो हम आपके साथ गेट भी बंद करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे। चलो ठीक है जी, धन्यवाद जी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते।